आभूषण व्यवसायी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने कुख्यात अपराधी नित्यानंद सिंह को धर दबोचा। इसके लिए पटना के एसटीएफ एसपी सुधीर कुमार पौरिका और भोजपुर एसपी सुशील कुमार के संयुक्त निर्देशन में पटना एसटीएफ की एक विशेष टीम बनाई गई थी। पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी के दौरान शातिर अपराधी नित्यानंद को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गिरफ्तार अपराधी नित्यानंद बड़हरा थाना क्षेत्र के नथमलपुर गांव का रहने वाला है, जो पुलिस के लिए करीब 6 महीने से सिरदर्द बना हुआ था। सेना ओपी जो बड़हरा थाना का एक ओपी है, उसके क्षेत्र में एक स्वर्ण व्यवसायी और जो इनका कपड़े का भी कारोबार था, उनकी हत्या कर दी थी अपराधियों ने। और उसमें पता चला कि वो कुख्यात अपराधकर्मी है नित्यानंद सिंह, जो नथमलपुर का रहने वाला था। उसी के गिरोह के द्वारा ये कांड किया गया है। उनसे रंगदारी भी मांगी गई थी, ये बात आई थी सामने। तो इसमें कांड दर्ज करने के बाद पुलिस की विशेष टीम लगाई गई थी और एसटीएफ का भी की भी टीम लगी हुई थी, और उसको एसटीएफ के सहयोग से हरियाणा में पकड़ा गया था। नित्यानंद सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उसके पहले उसने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि उसने जो हथियार जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था उक्त व्यक्ति की हत्या में, वो अपने साथियों को और अपने रिश्तेदारों को दिया। उसी सूचना पर आगे काम करते हुए पुलिस ने कल और 3 लोगों को पकड़ा है। एक तो उसका साथी था विष्णु, जो उसके साथ हत्याकांड में शामिल था, उसको पकड़ा गया है। और उसका साला आकाश राय और धर्मेंद्र प्रसाद पकड़े गए। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त दोनों हथियार, इसमें एक देसी पिस्टल है और एक कट्टा है, और कुल 5 गोलियां मिली हैं और इनको गिरफ्तार किया गया है। पूरे गिरोह में जो लोग थे उनमें से महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो एक दो और साथी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नित्यानंद सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है पुराना, और वो कई करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध के कांडों में शामिल रहा है। और इस घटना में 1 महीने के अंदर में पुलिस ने तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है उसको बरामद किया। इसके आगे जाँच करा के हम लोग इस कांड में जल्दी से जल्दी उन्हें सजा दिलाएं। जहाँ शातिर अपराधी लूट, रंगदारी और गोलीबारी की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, वहीं पुलिस भी कुख्यात अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरने में जुट गई है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी नित्यानंद समेत 4 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और फरार चल रहे बाकी साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट।